अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फॉर क्लास 5 फ्रॉम लतीफ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज ड्रॉ डायग्राम्स टू मैच दिस मल्टीप्लीकेशन एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच। आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शंस आपको गिवन है इसको डायग्राम्स के थ्रू शो करना है एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच और इनकी मल्टीप्लीकेशन फाइंड करनी है। मल्टीप्लीकेशन फाइंड करने आती है और डायग्राम्स भी आपको ड्रॉ करने आती है। क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी आप बी सी एंड डी आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए आपको गिवन है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। करना क्या है आपने, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है और डायग्राम्स के थ्रू आपने फ्रैक्शन को शो करना है। 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपने डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो फर्स्ट आपको दिया 1/2 और 1/2 का मतलब आपको पता है एक ब्लॉक है जिसके टोटल 2 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है। तो पहले आप ये ड्रॉ कर लें 1/2। फर्स्ट डायग्राम अगर मैं हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करूँगी तो सेकेंड फ्रैक्शन की डायग्राम मुझे वर्टिकल में ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, ये मैंने किया 1/2, एक ब्लॉक के 2 पार्ट्स हैं और इसका 1 पार्ट शेडेड है। ये 1/2 की डायग्राम आपके पास ड्रॉ हो गई। सेकंड आपके पास ये गिवन है 3/4, मैंने हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल में पार्ट्स किए हैं, तो अब मुझे किस में करना है, वर्टिकल में करना है। 3/4 का मतलब क्या है, एक ब्लॉक है जिसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और न्यूमरेटर शो क्या शो कर रहा है, 3, और 3 से क्या शो करता है कि आपके 3 आपके शेडेड पार्ट शो करते हैं। 3/4 का मतलब एक ब्लॉक है जिसके टोटल 4 पार्ट्स हैं और उसमें से 3 पार्ट्स इसके शेडेड हैं, तो मैं इसमें 3 पार्ट शेड कर देती हूँ। 3 पार्ट शेडेड। फ्रैक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके फ्रैक्शंस की डायग्राम ड्रा हो गई। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन को मल्टीप्लीकेशन गिवन है और आपको मल्टीप्लीकेशन करनी आती है। फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 1 3 ज़ा 3 एंड 2 4 ज़ा 8। ये आपका आंसर। और लास्ट में आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर की डायग्राम भी आपको ड्रॉ करेंगे। 3/8 का मतलब क्या है, एक ब्लॉक है जिसके 8 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, 1/2 की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ की थी और 3/4 की आपने वर्टिकल में ड्रॉ की। तो मैं वर्टिकल लाइंस करूँगी 4, 1, 2, 3 एंड 4। एक ब्लॉक के 8 पार्ट्स हो गए हैं, इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं, 3 पार्ट शेडेड हैं, तो हम इसे 3 पार्ट्स में शेड कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। सेम ऐसे ही आपके पास बी सी एंड डी गिवन है, आपने बी सी डी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपको गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंट थ्रू डायग्राम। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सॉल्व करेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है, ड्रॉ डायग्राम्स टू शो दिस मल्टीप्लीकेशन देन राइट ईच प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सॉल्व होगा। पहले आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है दोनों फ्रैक्शंस की, उसके बाद आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अगर कैंसिलेशन हो रही है तो आपने कैंसिलेशन करनी है। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, आंसर की आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। टोटल 3 डायग्राम्स ड्रॉ होंगी, 2 आपकी क्वेश्चन वाले फ्रैक्शंस की होंगी और लास्ट आपकी आंसर वाले आंसर की डायग्राम ड्रॉ होगी। सो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। और प्रोडक्ट का मैंने आपको मतलब बताया था, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो सेम ऐसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होगा। मैं एक आपको यहाँ सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट आपको गिवन है ए आपको गिवन है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज उतरेगा 1/9 / 2/3। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 2 फ्रैक्शन की बिना बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन की करनी है। जिस तरह आप पूरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लीकेशन करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 ज़ा 2 एंड 9 3 ज़ा
27 आपका ये आंसर ये इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ये लोएस्ट टर्म में चेंज नहीं हो रहा, और अगर मैं इसको मिक्स नंबर में चेंज करूँ तो मिक्स नंबर में भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, और जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर बाहर आता है, और जब भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो आप मिक्स नंबर में चेंज नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर आपका छोटा हो, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर, या आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स नंबर में चेंज नहीं होता, इसलिए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आप करेंगे उसमें अगर लोएस्ट टर्म में जा रहा हो तो आप उसे कैंसिल करेंगे, अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो तो आप उसे मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट मैंने इसका करवा दिया है, बी सी डी ई एफ सेम इसी तरह सॉल्व होंगे, ये आपका होगा कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशंस। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व होगा, ये भी आपने खुद करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 13 में किया है वही काम हमने क्वेश्चन नंबर 16 में भी करना है, सेम वही क्वेश्चन से आपने सॉल्व करने हैं। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 17, एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन है, सिर्फ प्रोडक्ट करनी है, और अगर आपके पास लोएस्ट टर्म में जा रहा हो तो लोएस्ट टर्म में करेंगे, अगर आपके पास मिक्स नंबर में चेंज हो रहा होगा तो आप मिक्स नंबर में से चेंज करके आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 16 का की तरह है, ये भी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 16 एंड 17।